नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। बहुत स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम हेलो डॉक्टर में। आज हम बात करेंगे बच्चों की बढ़ती बीमारी के बारे में। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत जुड़ रहे हैं जिन्होंने एम्स में अपनी सेवा दी है, देश के कई अस्पतालों में अपनी सेवा दे चुके हैं, साथ ही साथ अब विदेशों में भी जाकर अपनी सेवा दे रहे हैं। जी, हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर देवेंद्र कुमार गुप्ता, जो कि प्रोफेसर हेड है डिपार्टमेंट ऑफ पेडियाट्रिक सर्जरी के एम्स न्यू दिल्ली। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी संस्था हैं, बहुत सारे ऐसे अस्पताल हैं जहां पर वो अपनी सेवाएं दे चुके हैं और कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि बहुत सारी जागरूकता भी उन्होंने फैलाई है। डॉक्टर डीके गुप्ता जी, बहुत स्वागत है आपका हेलो डॉक्टर में। सर, सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो परेशानियां न्यू बॉर्न बेबीज को आती है, क्या उसको लेकर भारत में लोग उतने जागरूक हैं? यस, अब बहुत कुछ जागरूकता पैदा हो गई है। और अगर हम बात करते हैं आज से 40 या 50 साल पहले, तब उतनी जागरूकता नहीं थी और इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, मतलब नवजात बच्चों की मृत्यु दर, इन्फेंट्स जो एक साल तक के बच्चे होते हैं उनकी मृत्यु दर बहुत ज़्यादा थी। अब बहुत सारे राज्यों में ये इम्प्रूव हो चुकी है और इसके दो कारण हैं। एक तो मेडिकल साइंसेस की काफ़ी प्रोग्रेस हुई है बहुत सारे स्टेट्स में। कुछ स्टेट्स को अगर हम छोड़ दें जो अभी भी बहुत पीछे हैं, लेकिन दिल्ली है, केरला है, गोवा है, कर्नाटका है, तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है, जिसमें कुछ नाम ले सकते हैं, और भी बहुत सारे राज्य हैं, पंजाब है, हरियाणा है, तो काफ़ी बच्चों की स्वास्थ्य के बारे में सुधार हुआ है। दूसरा कारण है कि अपार्ट फ्रॉम जो अवेयरनेस है डॉक्टर्स में, कह लीजिए पैरामेडिकल स्टाफ की है, नर्सिंग केयर की है, और फिर पेरेंट्स की है, तो उनको भी काफ़ी कुछ जागरूकता हुई है कि बच्चों को अगर कोई बीमारी होती है तो अस्पताल ले जाया जाए, बजाय घर में रखने के या कुछ घास ये झाड़ फूस कराने से जो इलाज वो नहीं होता है। तीन चार ऐसे सिम्टम्स हैं जो पहले भी कॉमन होते थे, अभी भी हैं, कि बच्चों को पीलिया होना। दो हफ्ते तक तो ऑलमोस्ट 50% बच्चों को पीलिया होता है, लेकिन अगर वो पीलिया दो हफ्ते से आगे बढ़ता रहता है तो उसकी वजह से ट्रीटमेंट डिले हो जाता है और बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, फिर वो ऑलमोस्ट लाइलाज हो जाती है जी। ऐसे ही बच्चों का पेट फूलना, जिसे इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं, बच्चों को उल्टी आना, अगर पीली उल्टी आती है तो एक वो सीरियस साइन होता है, बार बार उल्टी आती है वो एक सीरियस साइन होता है, बच्चों की कब्जी रहती है जिसकी वजह से पेट फूल जाता है वो एक सीरियस सिम्टम होता है, बच्चे नीले पड़ जाते हैं, सांस लेने में दिक्कत होती है तो वो एक सीरियस सिम्टम होते हैं। तो ये चार पांच ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में काफ़ी जागरूकता आ रही है और जिनकी अब मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में, मेडिकल कॉलेजेस में, नर्सिंग होम्स में, बड़े बड़े कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स में इलाज की सुविधा है और इस वजह से ही उनकी जो स्वास्थ्य है उसमें काफी लाभ हो रहा है। बिल्कुल डॉक्टर, आप हमारे साथ सीधे ऑस्ट्रेलिया से जुड़े हुए हैं, आपने एम्स में काफी ज्यादा समय काम किया और आपसे बहुत लोगों ने सीखा है आपके डिपार्टमेंट ने। इसके अलावा आपने लखनऊ में भी अपनी सेवाएं दी हैं, नोएडा में भी अपनी सेवाएं दी हैं। अगर बात की जाए पीडियाट्रिक सर्जरी की, तो बहुत लोग अब भी ऐसे हैं जो इसके बारे में नहीं जानते हैं, उन्हें नहीं समझ में आता। छोटे बच्चों की बीमारी मतलब खांसी, जुकाम, उल्टी, दस्त, बस इससे ज्यादा नहीं जानते। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जैसे मेरी स्पेशलिटी बच्चों की सर्जरी थी, जब हमने ये बच्चों की सर्जरी, जिसको पीडियाट्रिक सर्जरी कहते हैं इंग्लिश में, जब ज्वाइन किया था 1979 में एम्स में, तो उस टाइम भी सिर्फ 23 सेंटर थे सारे कंट्री में जहां पर के पीडियाट्रिक सर्जरी का डिपार्टमेंट था या जहां ट्रेनिंग फैसिलिटी थी, जहां बच्चों के इलाज की फैसिलिटी थी। आज वो बढ़कर कम से कम 60 सेंटर्स ऐसे हो गए हैं, चाहे वो
गवर्नमेंट सेक्टर में है चाहे प्राइवेट सेक्टर में है, जहाँ पे पीडियाट्रिक सर्जरी मतलब बच्चों की सर्जरी, न्यूबॉर्न सर्जरी की सुविधा है। और ये एक ऐसा ब्रांच है जिसके बारे में अभी भी उतनी जागरूकता तो नहीं है, लेकिन काफी कुछ बढ़ी है। इस पीडियाट्रिक सर्जरी का मतलब ये है कि आप नवजात शिशु के इलाज के लिए ऑपरेशन कर सकते हैं। बच्चे का चाहे जन्म अभी हुआ है, उसकी उम्र चाहे एक घंटे दो घंटे है, कुछ ऐसी सीरियस बीमारी होती हैं जिनके बारे में इमीडिएट ऑपरेशन करना पड़ता है, अगर वो नहीं किया जाए तो बच्चे की जो है मौत होना निश्चित हो जाता है। सो कहने का मतलब ये है कि बच्चे का जन्म होते ही कुछ बीमारियों में इमीडिएट ऑपरेशन ही एक इलाज होता है। डॉक्टर, और उसकी और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। आप जो न्यूबॉर्न बेबी की डिजीजेस बता रहे हैं, बहुत सारी मेजर प्रॉब्लम होती है, आप बता रहे हैं कि सर्जरी तक करनी पड़ती है, अगर ऐसा नहीं हो सकता तो बच्चे की मौत भी हो सकती है, वो कौन कौन सी गंभीर बीमारियां हैं जिसके बारे में लोग नहीं जानते हैं, लोग अवेयर नहीं है? ओके, उसके बारे में बहुत अच्छा आपने किया कि जिससे जागरूकता पैदा हो, और इसके बारे में हम समय समय पे पब्लिक को अवेयर भी कराते रहते हैं। इसके बारे में अपने डॉक्टर कम्युनिटी को भी, नर्सिंग कम्युनिटी को भी, टेक्निकल स्टाफ को भी अवेयर करते हैं। इसमें हम लेते हैं कि जैसे बच्चे बहुत ये एक कॉमन बीमारी है जिसमें कि बच्चे की फूड पाइप नहीं बनती है, न्यूबॉर्न की, बच्चा पैदा होता है लेकिन उसकी फूड पाइप नहीं है तो वो दूध पी ही नहीं सकता, पहली बार दूध पिएगा तो वो एक किस्म से ड्रूल आउट कर देता है, उल्टी कर देता है, तो माता पिता समझते हैं कि शायद बच्चा वैसे ही उल्टी कर रहा है, लेकिन जब वो दूध पिलाते हुए सांस की नली में चला जाता है तब बच्चा नीला भी पड़ता है, सांस में जाने की वजह से निमोनिया हो जाता है और फिर सांस लेने में दिक्कत होती है, और जब तक वो अस्पताल आते हैं तब तक वो काफी बैड कंडीशन में हो जाता है। लेकिन इस कंडीशन का एक ही उपाय है, वो है इमीडिएट ऑपरेशन। जैसे बच्चे का लंग्स ठीक हो और उसकी कंडीशन इवेल्युएट करके तो ऑपरेशन वो अब पॉसिबल है। और मोस्ट ऑफ द सेंटर्स में पीडियाट्रिक सर्जन जो ट्रेन हो चुके हैं और सब जगह हिंदुस्तान में इस टाइम फैल चुके हैं, तो वो इस कंडीशन को ऑपरेट करके बच्चे को बचा सकते हैं। लेकिन इसके साथ में ये बच्चों की सर्जरी एक मामूली सर्जरी नहीं है, इसके लिए बहुत अच्छा एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, ट्रेंड सर्जन चाहिए, ट्रेंड नर्सिस चाहिए, और एक ऑपरेशन को कंडक्ट कराने के लिए एक्सपर्ट एनेस्थेटिस्ट होना बहुत जरूरी है। सो एक ये टीम वर्क होता है तब जाके कहीं ये न्यूबॉर्न सर्जरी होती है। डॉक्टर, इसके अलावा पीडियाट्रिक सर्जरी कितनी कॉस्टली हो सकती है, क्योंकि आपने अभी जिक्र किया बहुत डिटेल में कि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर होनी चाहिए, और जब सर्जरी हो रही हो तो ऐसे वहाँ पर डॉक्टर्स मौजूद हो, ऐसे सर्जन मौजूद हो जो बहुत ही बेहतर नॉलेज रखते हो, डीप नॉलेज रखते हो इन सब चीज़ों के बारे में। पीडियाट्रिक सर्जरी का कॉस्ट एक चीज है, इसमें डेफिनेटली एक तो क्लिनिकल एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है जी। दूसरा इसके साथ में एक टीम वर्क, जिसमें चाहे वो एनेस्थेटिस्ट हैं, चाहे सर्जन हैं, चाहे नर्सिस हैं, चाहे टेक्नीशियन हैं, चाहे रेडियोलॉजिस्ट हैं, इन सब का एक टीम वर्क होना बहुत जरूरी है। सब मिलके काम करते हैं तब जाके एक अच्छा आउटकम मिलता है। दूसरी चीज है कि इसके लिए स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, डेलिकेट सर्जरी होती है, और आपको 24 आवर इन्वॉल्वमेंट होना पड़ता है, ये कमिटमेंट है। इसलिए वही लोग ज्वाइन करते हैं पीडियाट्रिक सर्जरी जिन्होंने अपना जिंदगी का एक मिशन बना लिया है टू हेल्प द पेशेंट्स, टू हेल्प द पेरेंट्स एंड टू हेल्प द स्पेशलिटी। ये डेडिकेटेड बहुत ब्रांच है जिसमें एक्यूमन की साथ साथ डेडिकेशन होना बहुत जरूरी है, 24 आवर कमिटमेंट है। थोड़ी सी आप समझते हैं कि बच्चे बोल नहीं सकते हैं, उनको सिम्टम से डायग्नोस करना पड़ता है, और उसी हिसाब से अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाती है ऑपरेशन के बाद में, उसी तरीके से उनको डिटेक्ट करना पड़ता है, और अर्लियर यू डिटेक्ट द प्रॉब्लम बेटर इज द आउटकम। इसलिए हालांकि इस टाइम हमारे पास ट्रेनिंग के लिए सारे कंट्री में 160 सीटें हैं
जिसको हम हायर लेवल की ट्रेनिंग कहते हैं, MCH जो कहते हैं, मैजिस्टर ऑफ चिरूर्गी, चाहे वो DNB है चाहे MCH प्रोग्राम है। तो पीडियाट्रिक सर्जरी का 160 नए सर्जन हर साल बन सकते हैं, लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि ऑलमोस्ट आधी सीटें अभी भी बच्चों की सर्जरी की खाली जाती हैं सारे कंट्री में, क्योंकि बहुत सारे लोग ज्वाइन नहीं करना चाहते। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट, बहुत डेडिकेटेड और कमिटेड सब्जेक्ट है ये, और लेकिन उसके बाद में भी सारी जिंदगी भर आपको मेहनत करनी पड़ती है, सीखना पड़ता है, कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करनी पड़ती है, एक दूसरे के अनुभव से लेसन लेना पड़ता है, क्योंकि एक अकेले पीडियाट्रिक सर्जन की लाइफ में ये जरूरी नहीं है कि वो सब चीज़ों को देख ले, समझ ले, या उसका एक्सपीरियंस इतना हो, इसलिए एक दूसरे का एक्सपीरियंस शेयर करना इस सब्जेक्ट का एक हॉलमार्क है। डॉक्टर, यहाँ एक्सपीरियंस की बात हुई है तो डॉक्टर DK गुप्ता जी का भी एक्सपीरियंस हम जान लेते हैं, क्योंकि आपने इतना समय दिया है, इतने साल दिए हैं इस डिपार्टमेंट में, बहुत सारे केसेस आपने सॉल्व किए होंगे, कैसा फीडबैक रहा, जिन बच्चों को आपने डायग्नोस किया है, जिन बच्चों की आपने सर्जरी की है, उनके माता पिता का एक्सपीरियंस कैसा रहा? ये एक बहुत ही आपने टचिंग सब्जेक्ट को टच किया है। मैंने एम्स में अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद में 9 साल तक, फिर मैंने एम्स में 40 साल के करीब काम किया, और उसके बाद में 3 साल और नोएडा में काम किया। इसके बराबर कभी जिंदगी में सेटिस्फेक्शन नहीं मिली, और सबसे बड़ी बात यह है कि एक ऐसे संस्थान में काम करने का अवसर मिला जहां पर के सब तरीके के चैलेंजेस थे जी। उन चैलेंजेस को सॉल्व करना और उनको सक्सेसफुली ट्रीट करना, और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि मरीजों के फेस पे खुशी देखना और उनके पेरेंट्स पे खुशी देखना, दैट वाज द बेस्ट रिवार्ड एंड अवार्ड इन लाइफ। बहुत उसके बाद सांत्वना मिलती है, लेकिन उसके लिए फिर मैं कहता हूँ कि ये होना बहुत जरूरी, बच्चों का खेल नहीं है बच्चों की सर्जरी, ये एक बहुत मेजर कमिटमेंट है, बिल्कुल, जिसके लिए आप सब चीजों को सैक्रिफाइस करते हैं, तब जाके इस मुकाम पे पहुंचते हैं। तो कम से कम एक सर्जन के लिए, बच्चों के सर्जन के लिए 20 साल का अनुभव होना बहुत जरूरी है, तब जाके कहीं वो कह सकते हैं कि हाँ हमें जो है ऑपरेशन करने में कॉन्फिडेंस है या सक्सेसफुल वो जो है रिजल्ट दे सकते हैं, या कह सकते हैं कि उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सारे केसेस हैंडल कर लिए हैं। तो इसलिए यानी डॉक्टर ये कहा जा सकता है कि किसी भी सर्जरी को करने से पहले सर्जरी की तैयारी तो करनी ही होती है, खुद को भी उस सर्जन को तैयार करना होता है, एक इमोशनल अटैचमेंट रहता है, खुद को साबित करने का भी ये वक्त रहता है, ये कहा जा सकता है। चलिए वापस इस पे आते हैं, पीडियाट्रिक सर्जरी पर। इसके लिए मैडम एक मेंटरशिप जिसको हम कहते हैं कि एक अकेला सर्जन उतना एक्सपीरियंस नहीं ले सकता जितना के वो किसी सीनियर सर्जन के साथ काम करके और उसके एक्सपीरियंस को शेयर करके जितना गेन कर सकता है। सो मेंटरशिप इन आवर स्पेशलिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल। और पेरेंट्स को किस तरह से तैयार किया जाता है, क्योंकि एक तो न्यू बॉर्न बेबी, उसके बाद पेरेंट्स को मेंटली किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है, क्योंकि उनके लिए वो मोमेंट बहुत ही इमोशनल होता है, बहुत ही दर्दनाक होता है। एकदम जब माता पिता को पता लगता है कि उनके बच्चे को जन्मजात कोई प्रॉब्लम है जिसकी ऑपरेशन की आवश्यकता है, तो हर आदमी ये चाहता है कि मैं अच्छे से अच्छे अस्पताल में जाऊं, अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास जाऊं, जहां पर के उसके बच्चा सेफ हाथों में रहे और जिससे कि ऑपरेशन सक्सेसफुल हो। हमेशा जैसे ही पेरेंट्स आपके पास आते हैं तो उनका पहला सवाल होता है कि क्या ये बीमारी सीरियस है, क्या ये ठीक हो सकती है, क्या आपने पहले ऐसे ऑपरेशन किए हैं, देखे हैं। तो ये स्वाभाविक है, और अगर पेरेंट्स का आप में कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप कितना भी आप उनको समझाइए तो वो चीज पॉसिबल नहीं होगा। फॉर्चुनेटली
इस स्पेशलिटी में अब बहुत सारे ऐसे सेंटर्स डेवलप हो गए हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जहाँ पे के बहुत अच्छे सर्जन हैं, अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं और बहुत सारे मरीजों का सक्सेसफुल इलाज कर रहे हैं। सो पेरेंट्स जहाँ तक आते हैं तो उनका एक ही इच्छा होती है कि अच्छी जगह ले जाएं, अच्छे अस्पताल जिसका नाम है, जहाँ पर अच्छे सर्जन हैं, जहाँ अच्छी फैसिलिटीज हैं, तो वहीं पर अच्छे रिजल्ट भी मिलते हैं, तो इसलिए कभी कोई दिक्कत नहीं आती है। यानी ये डॉक्टर कहा जा सकता है कि जितनी ये सर्जरी टफ है उतनी इमोशनल भी है, मेंटली भी स्ट्रांग रहना पड़ता है पेरेंट्स को भी और सर्जन को भी। सर इसके अलावा बहुत सारी स्टडीज में ये पाया गया है कि जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, कई बार ऐसा होता है कि वो उनका सेक्स तो अगर फीमेल है लेकिन बाद में पता चलता है कि वो मेल है। इसके बारे में लोगों को जरा भी नॉलेज नहीं है, जरा भी नॉलेज नहीं है, तो ये हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये क्या है, कैसे होता है, क्यों होता है, क्या हार्मोनल चेंजेस है या कुछ और है। ये भी एक ऐसी जन्मजात बीमारी होती है जो कि हमारे हिंदुस्तान में बहुत सालों से देखी जा रही है और कुछ साल पहले तक तो अपनी जैसे हिजड़ा कम्युनिटी होती है, जैसे ही उन लोगों को पता लगता है कि किसी घर में एक बच्चा पैदा हुआ है या उसका डेफिनेट सेक्स असाइंड नहीं है, कि ना उसका पता है कि ये लड़का है या लड़की है, तो ऐसे बच्चों को हिजड़ा कम्युनिटी वो फोर्सिबली ले जाया करते थे। आई थिंक ये सबको मालूम है और ऐसी अपनी प्रथा प्रचलित भी थी, लेकिन अभी पिछले 40 साल से और हमारा इंस्टीट्यूट ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज तो इस फील्ड में काफ़ी अग्रसर था या इस सब्जेक्ट को टेकअप किया, एक स्पेशल क्लिनिक एस्टेब्लिश की और आज ये वहाँ पर स्थिति है कि दुनिया भर के एक संस्थान में सबसे ज़्यादा केस हमारे संस्थान में एम्स में इस टाइप के देखे गए और उनको मैनेज किया गया। पिछले 40 साल में कम से कम 1000 से ऊपर केसेस मैनेज किए जा सके हैं जिनको के हिजड़ा कम्युनिटी से बचाया जा सका है और उनको एक डेफिनेट टाइप ऑफ जिंदगी दी गई है, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है। दिक्कत जरूर होती है इनको इनिशियली डायग्नोस करने में, लेकिन अब उतनी दिक्कत नहीं है जो पहले होती थी। अब का इलाज पॉसिबल है, इन्वेस्टिगेशंस पॉसिबल है और पेरेंट्स की कंसल्ट करके, उनके ग्रैंड पेरेंट्स से बात करके और अपनी साइंटिफिक अप्रोच बता के उन लोगों को कॉन्फिडेंस में लिया जा सकता है। और खुशी की बात यह है कि ज़्यादातर पेरेंट्स साइंटिफिक एडवाइस को मानते हैं और उस हिसाब से चलते हैं। पिछले 30-40 साल में इन बच्चों को इलाज करते करते काफ़ी कुछ हमने नॉलेज भी गेन किया है, कॉन्फिडेंस गेन किया है, लोगों को इसका मैसेज भी दिया है, डॉक्टर्स को भी समझाया है। एक टाइम था जबकि डॉक्टर्स को ही समझ नहीं आती थी ये बीमारी, लेकिन अब ये सिचुएशन है कि हर साल इस सब्जेक्ट के ऊपर बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, बहुत सारे लेक्चर्स होते हैं, बहुत सारे रिसर्च पेपर पब्लिश होते हैं और बहुत सारी सोसाइटी बन गई हैं जो आपस में इस सब्जेक्ट के ऊपर अपना व्यूज एक्सचेंज करते हैं। इसमें दो बातें आती हैं कि ये क्यों होती है। ज़्यादातर तो ऐसी बीमारियों को पता नहीं लगता है, एक तो ये बहुत रेयर बीमारी है तो हर एक आदमी को ऐसे केस देखने का मौका नहीं मिलता है, चाहे वो कहते हैं क्रोमोसोमल डिफेक्ट की वजह से है, एबनॉर्मलिटी है, या फिर कोई हार्मोनल इम्बेलेंस है, कुछ एंजाइम डेफिशिएंसी है, या जब बच्चा पेट में होता है उस टाइम रेडिएशन का इफेक्ट हुआ है। लेकिन एक बात जरूर सामने आई है कि ऑलमोस्ट 10% बच्चों में कंसेंग्विनिटी की हिस्ट्री होती है। उसका मतलब है कि जिन फैमिलियों में आपस में
भाई 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 बहन में या एक ही फैमिली में शादी हुई है उसमें ये बीमारी ज्यादा देखी गई है। एटलीस्ट 100 बच्चों में से 10 बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें बहुत क्लोज फैमिली में मैरिज हुई है पेरेंट्स का, और यूजुअली यंग पेरेंट्स होते हैं। कई कई फैमिलीज में तो एक बच्चा ऐसा हुआ है, फिर दूसरा हो गया, फिर तीसरा हो गया, फिर चौथा भी हो गया है। सो कई कई बच्चों इन्वॉल्व हो जाते हैं। कुछ ये भी कहना गलत नहीं होगा इस प्लेटफॉर्म पे कि कई फैमिलियों में ऐसा देखा गया है कि कुछ महिलाएं लेती हैं कि हमें लड़का पैदा करना है, इसलिए कुछ दवाई ले लेती हैं, कुछ आयुर्वेदिक इधर उधर से, लेकिन वो लड़का पैदा करने के बजाय वो समवेयर इन बिटवीन हो जाता है, ना वो लड़की है ना लड़का है। सो इस माध्यम से ये जरूर परकोलेट करना चाहिए कि ऐसी दवाइयों से सब जो है लेडीज बच्चे हैं, और स्पेशली जो मदर इन लॉज हैं, या अवेयरनेस जरूर होनी चाहिए कि बहुत बड़ा टॉपिक है सर, और खुलकर लोग इस पर बात नहीं करते हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस माध्यम से दो चीजें तो जरूर हम परकोलेट कर सकते हैं। एक तो प्रेगनेंसी में कोई भी दवाई जो अनसाइंटिफिक है और जो जिसकी वजह से नुकसान हो सकता है वो नहीं लेनी चाहिए, उसकी वजह से नुकसान ज्यादा हो सकता है। और ये एक ऐसी कंडीशन है जो हमने देखी है कि इनमें काफी मदर्स में ये हिस्ट्री थी कि वो लड़का लेने के लिए उन्होंने कुछ दवाई ली या दी गई पहले 3 महीने में, और हो सकता है उसकी वजह से ये असर हुआ हो। स्पेशली जो हैवी मेटल्स होती हैं, कुछ ताप भस्म और इस टाइप की होती हैं, तो वो डैमेज कर सकती है। कि ये जो पूरा प्रोसेस होता है, अगर जैसे आप सर्जन हैं, sure. आपको पता चला कि कोई न्यूबॉर्न बेबी है, उसका जो सेक्स है वो फीमेल है, लेकिन उसमें जो आगे पता चलता है कि वो मेल है, तो ये पूरा प्रोसेस क्या एक सर्जरी के थ्रू होता है? जैसे कि हमने देखा है कि यंगस्टर्स में आजकल सेक्स चेंज कराने का बहुत सारे केसेस हमने देखे हैं, बहुत सारी ऐसी मूवीज भी बनी हैं, तो क्या यही प्रोसेस है? सेम पूरा प्रोसेस यही होता है, और इसके साइड इफेक्ट भी क्या होते हैं? ये देखिए, ये दो चीजें बिल्कुल अलग हैं जो हम बात कर रहे हैं। एक तो है साइकोलॉजिकल सेक्स, जिसको ट्रांसजेंडर कहते हैं, उनकी जो है बॉडी बिल्टअप एक डिफरेंट है, लेकिन उनकी साइकोलॉजिकल मेंटल डिफरेंट है। सो वो बिल्कुल डिफरेंट इश्यू है, उसके लिए साइकोलॉजिकल असेसमेंट करके कोर्ट का पता है वो यूजफुल है। सो इसलिए वो चीज तो हम इस टाइम डिस्कस नहीं करेंगे, दैट इज अ सेक्स चेंज इन ए ट्रांसजेंडर। जो हम बात कर रहे हैं ये है चाइल्ड विद एम्बिगुअस जेनिटेलिया, जिसका जेनिटेलिया डेफिनेट नहीं है वो मेल है या फीमेल है। इसके लिए डेफिनेटली 2 या 3 टाइप के टेस्ट करने पड़ते हैं। पहली चीज है क्रोमोसोमल, उनकी असेसमेंट करना कि नॉर्मली वो लड़का के हैं या लड़की के हैं। दूसरा है उनका रेडियोलॉजिकल या अल्ट्रासाउंड, MRI, CT वगैरह करके देख लेते हैं कि अंदर उनके गोनेड्स, जिनको हम कहते हैं टेस्टिस या ओवरी, वो किस टाइप की है, वो नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। अगर वो अंदर है पेट के और वो एबनॉर्मल है, तो उनमें कैंसर होने के बहुत ज्यादा चांस होते हैं, इसलिए उनको निकालना पड़ता है। इसलिए ऐसे टाइप उनको सोचते हैं और ऐसा सेक्स असाइन करते हैं जिसमें गोनेड्स निकल के और बच्चे का जो फिजिकल अपीयरेंस है वो एक पार्टिकुलर टाइप के साथ में मैच करते हो। इसलिए ये कंडीशन हमारी चॉइस नहीं होती है, इसके लिए फैक्टर्स होते हैं कि बच्चे का लिंग का साइज कैसा है, अंदर उसके ओवरी है या टेस्टिस है, और पेरेंट्स की क्या कंपल्शन है। अगर किसी फैमिली में ऑलरेडी 3 या 4 लड़कियां हैं और यहाँ पॉसिबिलिटी है कि ये जो बच्चा पैदा हुआ है ये लड़का बन सकता है, तो उसको उस हिसाब से कन्वर्ट करना, बिकॉज अल्टीमेटली आपको ये सोचना पड़ेगा कि ऐसा बच्चा जिसमें कुछ कमी रही है और अभी भी आपने उसको डेफिनेट बॉय या गर्ल तो बना दिया है, लेकिन अल्टीमेटली वो पालना तो फैमिली को ही है। अगर आप उन फैमिली के विल के अगेंस्ट कुछ भी डिसाइड करते हैं अपनी साइंटिफिक वैल्यू के बेस पे,
तो वो फैमिली कभी भी उसे बच्चे को एक्सेप्ट नहीं करेगी और उसका लाइफ बर्बाद हो जाएगी। इसलिए बेस्ट ये होता है कि ये बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना पड़ता है, जिसमें फैमिली वालों की इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। सर एक और कॉमन प्रॉब्लम देखिए कि न्यू बॉर्न बेबी जो होते हैं उनकी जो रीढ़ की हड्डियाँ होती है कई बार होता है कि वो बेंड होती है, ये भी कॉमन प्रॉब्लम देखी गई है, क्या ऐसे न्यू बॉर्न बेबीज को आपने डायग्नोज किया है, क्यों होती है, क्या प्रॉब्लम है? ज्यादातर न्यूबॉर्न जो होते हैं और रीढ़ की हड्डी में एक रसौली टाइप की होती है, जिसको फोड़ा कह सकते हैं आप या स्पाइना बाइफिडा कह सकते हैं, वो रीढ़ की हड्डी में डिफेक्ट होता है और उसके साथ में जो ब्रेन से फ्लूइड आता है वो भी उस रसौली में आ जाता है। तो 90% तो रीढ़ की हड्डियां इसी वजह से ये बैक में जो स्वेलिंग होती है वो इसी वजह से होती है, उसका भी काफी स्पेक्ट्रम होता है और वो एक ऐसी इमरजेंसी होती है कि बर्थ के बाद में इमीडिएटली ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है, उसके लिए भी एक्सपर्टाइज की जरूरत होती है। अगर एक्सपर्टाइज ना हो और उसका ऑपरेशन कर दिया जाए तो उसमें काफी सीरियस कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, बच्चे के यूरिन पे स्टूल पे कंट्रोल खत्म हो जाता है, बच्चों के पैर नहीं चलते हैं, सर में पानी आ जाता है। सो इन सब चीज़ों को देखते हुए ये एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड फील्ड होता है ऑपरेशन का, जिसमें सर्जन की एक्यूमेन सर्जन का एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। इस माध्यम से मैं जनरल पब्लिक को और अपने साथियों को दो तीन चीज़ें या मैसेज देना चाहूँगा। एक तो ये है कि बच्चों में भी सीरियस जन्मजात बीमारियां होती हैं और उनका इलाज इस टाइम पॉसिबल है। उसके कुछ सिम्टम्स हैं जिनके बारे में हमको ध्यान रखना चाहिए, अगर ऐसा है तो अस्पताल में जरूर अपने बच्चे को दिखाएं। ये क्या है? नंबर एक, बच्चा नीला पड़ जाना, स्पेशली जबकि उसे दूध पिलाया जा रहा है। दूसरी चीज है बच्चे को उल्टी आना, स्पेशली अगर पीले रंग की उल्टी आ रही है और बार बार आ रही है और उसके साथ पेट फूल रहा है, तो ये एक दूसरा सिम्टम है जो सीरियस हम लेते हैं। तीसरा है बच्चे का सांस जल्दी जल्दी आना, सांस फूलना, ज्यादातर तो निमोनिया से होता है ऐसा, लेकिन अगर वो बार बार ऐसा होता रहा है और बच्चे का सांस ठीक नहीं आ रहा है और लगातार उसे दिक्कत है तो हो सकता है छाती में जन्मजात कुछ बीमारी हो। चौथी चीज है कि बच्चे का अगर पेट फूल रहा है, नॉर्मली बच्चा दूध पीता है उस टाइम थोड़ा सा अफारा आ जाता है, फिर डकार लेता है तो वो ठीक हो जाता है और स्टूल पास करता है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका बच्चे में जिनका बच्चे का पेट फूलता रहता है और उसकी वजह से उसका खाना पीना बंद हो जाता है, दूध पीना बंद कर देता है, उसके साथ में उल्टी आने लगती है, तो ये एक सीरियस प्रॉब्लम है, इसलिए उसका अस्पताल आना इमीडिएटली बनता है। लेकिन ज्यादातर ऐसी बीमारियां हैं जिनका समय रहते हुए उनका इन्वेस्टिगेट करके अपने सही टाइम पे इलाज किया जा सकता है। बिल्कुल ये कहा जा सकता है। तीसरी बीमारी कुछ ऐसी होती है जो होने की जरूरत है, हर चीज़ का इलाज है, डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है। डॉक्टर गुप्ता जी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आप हमारे साथ ऑस्ट्रेलिया से जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस खास प्रोग्राम में जुड़ने के लिए, और जिस तरह से आपने बात रखी है बच्चों की बीमारियों के बारे में जाना है, इसके अलावा कुछ और भी हमने बात की है, लोगों को जागरूक करने की कोशिश की है। उम्मीद है कि न्यू बॉर्न बेबी की जो समस्याएँ होती हैं, जो पेरेंट्स परेशान रहते हैं, जो जल्द पेरेंट्स बनने वाले हैं, उनके लिए एपिसोड बहुत खास होने वाला है। फिलहाल के लिए इतना ही, आप बने रहिए हेलो डॉक्टर के।